अमरीका दे विच एक पंजाबी मुंडे का कतल है जिहड़ा कीता गया, गोली मारी गई है इस पंजाबी मुंडे दे। हले पिछले साल ही अपने चंगे भविख दे लई अमरीका की धरती ते गया, उत्थे उसके रिश्तेदार ने जिहड़े वह भी रहिंदे सी, उत्थे जाके काम कार जिहड़ा वह भी करन लग जांदा, अपने चंगे भविख बारे सोचदा है, पर उत्थे उसका कतल है जिहड़ा गोली मार के कर दिता जांदा। तां पिंड सोग की लहर आ जिहड़ी वह फैली हुई है। समाणा दे पिंड कुतवन परदा रहण वाला सी अरमान सिंह, जिहड़ा कि 12वीं पास करके पिछले साल ही चंगे भविख दे लई अमरीका गया सी। इत्थे जो 12वीं पास करता है सोचता है कि मैं अपना चंगा भविख बना लवां तो मेरा चंगा भविख है जिहड़ा वह अमरीका जाके बनेगा। अपनी भैण दे चंगे विआह बारे सोच रहा सी, अपने घर दे चंगेपण दे लई सोच रहा सी, तां इही सोच के वह अमरीका की धरती ते चले जांदा। पिछले साल अमरीका की धरती ते गया, उत्थे काम कार करन लग जांदा, पर अचानक उत्थे उसकी गोली मार के हत्या जिहड़ी वह कर दित्ती जांदी है। तां तकरीबन 11 बजे हले अपने परिवारक मैंबरां दे नाल गल करके हटिया हुंदा, अपनी माँ दे नाल गल करके हटिया हुंदा, अपनी दादी दे नाल, अपनी भैण दे नाल। अपनी माता नूं इह कह रहा हुंदा कि मम्मी आपां अपनी भैण नूं चंगी तरह पढ़ाउणा, उसका चंगा विआह है जिहड़ा वह भी करवाउणा। तां 11 बजे तो बाद जदों अपने परिवारक मैंबरां दे नाल गल खत्म कर लैंदा तां उस तों बाद अचानक उसकी गोली मार के हत्या जिहड़ी वह कर दित्ती जांदी है। तां जदों इह गल पंजाब बैठे परिवारक मैंबरां दे कन्नां दे विच पैंदी आ तां परिवारक मैंबरां दे पैरां हेठों जमीन आ जिहड़ी वह खिसक जांदी आ। एक मिनट दे लई परिवारक मैंबरां दे साह ने जिहड़े वह रुक जांदे ने, क्योंकि भरी जवानी दे विच उन्हां दे मुंडे दा कतल आ जिहड़ा वह हो जांदा, जिहड़ा कि चंगे भविख दे लई एक साल पहला अमरीका की धरती ते गया सी, पर अमरीका जाण ते उसका गोलियां मार के कतल आ जिहड़ा वह कर दिता जांदा। तां हुण परिवारक मैंबरां दे वल्लों रो रो के यह गुहार लगाई जा रही है कि साडे पुत्त दी मृतक देह आ जिहड़ी उसनूं पंजाब लिआंदा जावे, तां जो असीं अपने पुत्त दा आखरी वार मूँह आ जिहड़ा वह देख सकीए। तां मदद मंगी जांदी आ परिवारक मैंबरां दे वल्लों, उहनां दे वल्लों कहा जा रहा है कि साडे पुत्त नूं इत्थे लिआंदा जावे तां जो असीं अंतिम रीति रिवाजां दे नाल उसदा संस्कार आ जिहड़ा वह कर सकीए। तां 12वीं जमात हले पास कीती सी, अपने चंगे भविख बारे सोच रहा सी, चंगे भविख बारे सोचदा सोचदा अमरीका चले जांदा। अपनी भैण दा चंगा विआह करन दी सोच रखण वाला यह नौजवान जदों अमरीका पहुँचा तां उत्थे काम कार करन लग जांदा है, पर जदों पहुँचण तों बाद साल बीतदा है तां उसकी गोली मार के हत्या जिहड़ी वह कर दित्ती जांदी है। तां जिसने सारे परिवारक मैंबर ने जिहड़े वह कंबा के रख दित्ते ने इस खबर ने। तां परिवारक मैंबरां दे जदों कन्नां दे विच इह खबर पैंदी आ तां पूरे घर दे विच मातम दा माहौल आ जिहड़ा वह छा जांदा है, पूरे पिंड दे विच सोग दी लहर आ जिहड़ी वह फैल जांदी है। तकरीबन 19 तों 20 साल इस मुंडे की उम्र आ जिहड़ी वह दसी जा रही सी, तां अरमान सिंह इसका नाम है जिहड़ा वह दस्सिया जा रहा सी, जिहड़ा कि 12वीं जमात पास करके अमरीका जांदा, उत्थे चले जांदा, काम कार करदा, पर उसकी गोली मार के हत्या जिहड़ी वह कर दिती जांदी है। मेरी गल सवेरे 11:30 बजे हुई है, 11:30 बजे नाल मेरा बच्चा ठीक ठाक सी, एंड वधिया गल कीती है, सारा कुछ दसिया सो मेनू। किन्ने बजे गल हुई तुहाडे कोल? 11:30 कोई तो बाद फोन आया है, मतलब मेरी मेरे बेटे नाल गल हुई है, ठीक ठाक गल कीती है, मेरी बेटी नाल भी कीती है, अपनी दादी नाल भी कीती है, उन्हें गल सही सी, एंड कोई उन्हें दिक्कत नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी हैगी। किसने लेके भेजा सी उन्हें भी अमरीका भेज रही है? मेरे बच्चे ने ही सोचा सी मैं 4 पैसे कमा के वापस इतनी इंडिया आ जाऊंगा। एक की पाना मतलब की सोचा कि कल दिन से तुसी दस रहे हो गल हुई सी परिवार नाल, ते एकदम रात नु किस तरह है? मुझे कल गल हुई है जो इत दिन 12 बजे आना, उत्थे रात ही इदू बाद पता नहीं की होया कि नहीं, जो इतने रात के 10 बजे ने उत्थों फोन आया जिन्ना को रहा रिश्तेदार को, उन्होंने तो ये दसिया भी आ कम बन गया, तो भी उन गोली वज गई है, आ नहीं पता भी किन्ने मारी है राजी पुछता सिस्टर ही पढ़ाई बारे पुछता छोटी है। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। अरमान नूं की सोच के अमरीका भेजा है,
ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਸੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਗੋਲੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵ
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋ। ਦੋ ਛੋਟਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਗੁੜੀਆ ਛੋਟੀ। ਗੁੜੀਆ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨਾਲ? ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਵੇਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ।